टेरेसा उज्जैन आई, मदर टेरेसा हमारे केंद्र में आई, हमारे कुष्ठ भाई बहनों के बीच में एक घंटे मुझे मदर के साथ बैठने का अवसर मिला। उस दरमियान मेरे मन में ये बात नहीं आई कि यह हमारे लोगों का धर्म छीनती है। मेरे मन में ये बात आई कि मैं भी ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता, अगर मदर ऐसा काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। 1988 में बाबा आमटे आए, बाबा आमटे भी मेरे सेंटर में आए। उस समय व्यापार व्यवसाय काफी विस्तृत था। भाई केशव राय जी से मेरे 40 साल के संबंध हैं, ये हमारे उज्जैन के गौरव हैं और मुंबई में आकर जिस प्रकार का काम कर रहे हैं वो अदम्य साहस का काम है। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। हमारे काम को समय समय पर भाई केशव जी ने आगे बढ़ाने में खूब योगदान दिया। मैंने अपना व्यापार व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया। घर परिवार समाज ससुराल सब विरोधी थे, कैसे काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा मित्रों वही माना जो मेरे मन ने किया, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तब किसी से नहीं पूछते हैं, तो अच्छा काम करने में पूछने की जरूरत क्या। आज की अगर बात करें स्पोर्ट में कम से कम सब अच्छा, केशव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में बात करें। देखिए मैं इस बात को समाप्त कर रहा हूँ, तो उसके बाद में मैंने आश्रम के लिए भूमि तलाश की, उबड़ खाबड़ बंजर, यहाँ पर पानी बिजली संसाधन नहीं थे, आश्रम की शुरुआत की। आज 9000 से ज़्यादा लोग वहाँ रह चुके हैं, कुष्ठ रोगी हैं, टीबी कैंसर पीड़ित, HIV मरणासन है। भगवान ने आश्रम की शुरुआत के बाद इकलौते बेटे को लिया, इकलौती बहन की हत्या हुई, पिता नहीं रहे, लेकिन उसका हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज विश्व हिंदी दिवस है, आज विश्व हिंदी दिवस है। भाई केशव जी के बारे में मैंने बताया, ये अदम्य साहस के परिचायक हैं। इनका जो कार्य है वो प्रमाणिक है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रमाणिक कार्य करता है वही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आज केशव जी सबको साथ लेकर हिंदी का अलग जमाए हुए हैं, मालवा का अलग जमाए हुए हैं। हिंदी हमारी माँ है, वे अपनी माँ को अपनी माँ से ज़्यादा समझते हैं, और अंग्रेजी बेटी है, माँ और बेटी का दोनों का महत्व है, लेकिन माँ का स्थान ही रहता है। तो केशव जी के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। इनके जो साहस है, इनका जो सोच है, यह स्वप्न दृष्टा है। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति पिछले 30 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम कर रही है। मालवा रंगमंच समिति जब शुरू हुई थी साहित्यिक सांस्कृतिक और हिंदी का कार्यक्रम, तो सुधीर भाई भी जुड़े हुए थे, आपका भी आशीर्वाद रहा बराबर, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं। तो ये पाँच दिवसीय तक जुड़े हैं, पाँच बिल्कुल आज स्पेशली आए, और ये पाँच दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट आज यहाँ है, कल नेहरू सेंटर में, परसों फिर यहाँ आए, उसके बाद NCP में 14 को फिर यहाँ है। तो ये जो फेस्टिवल्स की उपयोगिता है, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी इसके बारे में बताएंगे, आप बताइए सुरेश शर्मा। ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। उसका 49 साल होने जा रहा है, अगले साल 50वां साल है। केशव जी से कहूँगा कि उसको बड़े पैमाने पर मनाया जाए। और इस साल जो 49वां साल है उसमें विषय जो विश्व हिंदी का रखा गया है वो ये है कि अधिकतम लोगों तक कैसे हिंदी पहुंच सकती है, अधिकतम लोग संवाद का माध्यम हिंदी को कैसे बना सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी भूमिका दूसरे लोगों की हो सकती है, उसमें जो समाज सेवी संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, उन लोगों की भूमिका हो सकती है, और शिक्षा संस्थानों की और राजसत्ता की भी बड़ी भूमिका हो सकती है।
तो उसके लिए एक मोर्चा तो वो है, दूसरा है कि जो लिट फेस्ट, जो लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और जो केशव राय जी कर रहे हैं, उसमें हम भाषा के स्तर पर लोगों से सीधे संवाद करके विभिन्न विधाओं में, जैसे आज नाट्योत्सव है, नाट्योत्सव में सबसे पहले भारतेंदु ने नाटक के माध्यम से ही हिंदी को विकसित और विस्तार देने की कोशिश की थी। तो इन्होंने नाट्योत्सव जो पहले दिन रखा है हिंदी दिवस के, वो बहुत सोच समझ कर रखा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन हम जो विश्व हिंदी दिवस का, आज 49वां विश्व हिंदी दिवस पर हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि ये 4 दिनों का जो लिटरेरी फेस्टिवल है उसको हम लोग सफल बनाएं, और आप लोगों का आशीर्वाद है वो आगे और बढ़ेगा और हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल हों। और अभी जो 3 नाटक होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अभी मंच पर बात करेंगे। आज एक और अपील करना चाहता हूँ कि हम आज ये शपथ लें हिंदी दिवस पर यहाँ कि हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, अपनी मातृभाषा में करेंगे, तभी यह सफल हो पाएगा। और अमित खान जो राइटर हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, अजीत राय उसमें भारत के रूप से, भारत से विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं विदेशों में, तो आप इस लिटरेचर फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल की उपयोगिता, उसकी विशेषता के बारे में बताएं। जी बताइए। नहीं, मैं शॉर्ट ही बोलूँगा, भाषण देने नहीं आया हूँ। देखिए, हिंदी की वैश्विक लोकप्रियता का आलम ये है कि हिंदी करीब करीब 80 करोड़ लोगों की भाषा है, और हिंदी को ना तो किसी पर शासन करना है ना किसी से शासित होना है। तो हिंदी एक विनम्रता से सारी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चल रही है, और जितने भी भारत के लोग दुनिया भर में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, वो सब उनके घरों में हिंदी बोली जाती है और उनके लोग हिंदी में अपनी बातचीत रखते हैं। बिजनेस की भाषा अंग्रेजी है ज़रूर दुनिया भर में, लेकिन प्रेम और मोहब्बत और रिश्तों की भाषा हिंदी है। तो हम हिंदी दिवस पर सबको बधाई देते हैं और केशव राय को खास तौर से, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। केशव राय जी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, चूंकि उनकी वजह से ही सारा कुछ, और बहुत बॉम्बे जैसे शहर में रहकर वो जिस तरह से ये आयोजन करते हैं वो बहुत कमाल की बात है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मुझे लगता है हिंदी को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हिंदी व्यापार की भाषा बन चुकी है। हिंदी, मैंने 100 से ज़्यादा नॉवल लिखे हैं, हिंदी में हैं, सब थ्रिलर हैं, और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो प्रगति है वो सिर्फ हिंदी भाषा की वजह से है। एक छोटे कस्बे से लेकर बॉम्बे तक का जो सफ़र मैंने किया वो हिंदी भाषा की वजह से किया। तो इसके लिए मैं हिंदी को लेकर हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और मुझे लगता है कि सबको हिंदी में अपना काम करना चाहिए। हिंदी पूरी तरह व्यापार की भाषा बन चुकी है। ये सुप्रसिद्ध लेखक, निर्देशक, निर्माता सुनील तिवारी जी, जिनका देवता बड़ा सीरियल आया था, फिल्में आई थी 2 अक्टूबर, आप भी हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सुनील तिवारी। देखिए, हिंदी जो है वो मातृभाषा है, और संस्कृत जो है वो पितृभाषा है, वो गंगोत्री है, उससे कई भाषाएं वितरित हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इसका विस्तार गंगा नदी की तरह है, जो गंगोत्री से बहती है तो गंगा सागर तक जाती है। जब हम विश्व में बाहर मिलते हैं तो चाहे वो साउथ के हो, नॉर्थ के हो, एकदम अपने परिचय हिंदी में करने लगते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी भाषा के लिए बिल्कुल समृद्ध होकर काम करें, और हिंदी फिल्म उद्योग में इसका जो स्थान है वो मैं अंदर आपको विसर्जित करूँ। इसकी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हिंदी हमारे लिए क्या है ये कहने की या इसको परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है। हम कहीं भी जाएं, कितनी भी भाषाएं जानते हों, जो हम हिंदी में बात करते होते हैं, जो हमारे हिंदी में संप्रेषणता है, हिंदी में जो हमारी सहजता है, वह हमारी
मौलिक अभिव्यक्ति है और वो मेरी अपनी पहचान है। तो हिंदी दिवस की आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 तकलीफ़ होती है। गूगल पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान वो मुल्क है, वो देश है भारतवर्ष, जहाँ की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं और हमें ये पता ही नहीं है मेरी जनरेशन में कितने परसेंट लोग होंगे जिसको मालूम होगा कि राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा पूरे देश को जोड़ती है। जब बात आती है कि हमारे देश में समरसता नहीं है, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, तरह तरह के विरोधों की बात आती है ना, तो ये समझने की बात है कि जब देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए जो भाषा सबसे आवश्यक माध्यम है वो है ही नहीं, तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो कहाँ से आएगा। 12th फेल अभी पिक्चर आई, मैं बड़ी उसकी मुरीद हुई, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन बात यही है कि मौका मिला तो हिंदी में काम हो गया। लेकिन हाँ, हमें एक साथ एक सूत्र में, एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए जिस जबान, जिस भाषा की ज़रूरत है वो हिंदी, और वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप लोग गूगल सर्च करें, वो राजभाषा है, है ना। इस बात को ध्यान रखें और गर्व तो करें हिंदी पर, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मुहिम भी छेड़ें और जिन लोगों ने पहले से इस मुहिम को छेड़ा हुआ है उनका साथ दें, उनका साथ दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। अगर हिंदी को बढ़ावा मिला है, हिंदी की विकास हुआ है, तो फिल्मों के माध्यम से हुआ है, गीतों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। और ये जो 1975 में सर ने कहा कि वहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की थी, तो वो सम्मेलन हर 4 साल में विदेशों में होता है। और 2006 में मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाने का, तो दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो दूतावास हैं वहाँ विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी आज मन रहा है। तो इस तरह से हिंदी विकसित हो रही है। और ये जो 14 सितंबर जो होता है, ये अपनी जो संविधान की 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, उसमें एक हिंदी भी है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका एक दिवस मनाया जाता है, ये पहले 14 सितंबर अब अंतर्राष्ट्रीय। तो ये भाषा को लेकर दुनिया में कहीं भी शायद ये उत्सव जैसा नहीं मनता है जो भारत में मनता है। तो अब हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं, एक दो मिनट। बात उठी थी कि प्रबंधन व्यवसाय में हिंदी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, दिख नहीं रहा है। मैंने पिछले 37 वर्ष में हिंदी में काम किया और फिर अभी एक पुस्तक लिखी, देसी मैनेजर, जो MBA नहीं गए हैं लोग, जो मतलब कि काम करते हैं लेकिन उनको पढ़ाने का नहीं है, तो उनके लिए लिखी गई। और आपको आश्चर्य होगा कि भाषा की ताकत, कि 25 जून को वो किताब पहली बार छपी थी और आज उसका 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो देसी मैनेजर चैनल भी बनाया है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हमें मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, और अगर आप उस भाषा में बात करते हैं तो आपको मैसेज अपने सबॉर्डिनेट्स तक भेजने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन मूल बात यह है कि मैनेजमेंट में रिसर्च और एम्पिरिकल डाटा, इन दोनों का अभाव होने से हम लोग वेस्ट की ओर देखते हैं। लेकिन आपको बड़ा दुख होगा ये जानकर कि जो वेस्ट है वहाँ पर भी ये सिर्फ 100 साल पुराना है। 1910 में प्रबंधन अमेरिका में आया, और इंग्लैंड यूरोप में आज भी इकोनॉमिक्स चलता है, वहाँ मैनेजमेंट नहीं है। और हमारे भारत की दृष्टि से हमारा परिवेश अलग है, वहाँ बरसात बरसात जाओ, हमारे यहाँ बरसात आओ। तो जब हम देसी हिंदी में बात करते हैं तो प्रबंधन में एक प्रकार की सुगंध आ जाती है, और जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारा ग्राहक है, वो अधिक जुड़ पाता है और उसको विश्वास बढ़ता है। तो मैं केशव राय जी को इसलिए बधाई दूंगा कि केशव राय जी ने गीत संगीत लेखन और अब प्रबंधन को भी पकड़ लिया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कृतिका राय पिछले कई वर्षों से हमारी बिटिया हैं, पूरा प्रबंधन और ये अंग्रेजी में पढ़ाई और सब कुछ मैनेजमेंट करती है, लेकिन ये विश्व हिंदी का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से संचालन भी करती हैं। तो आपके विचार आइए, आप अपनी बात रखें। तो मुझे लगता है कि हिंदी एक इमोशन है, क्योंकि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, हम जब विदेश जाते हैं और जब हमें कोई मिलता है जो हिंदी में बात करे या फिर एक धोती कुर्ता या कुर्ता पहना है, तो हमें लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये इंडियन है। तो मुझे लगता है कि सारा यूथ आज हिंदी अपना रहा है, अपने विचार रख रहा है। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आज की जो यूथ स्ट्रगल कर रहा है, और आई थिंक जो हिस्ट्री जो पूरी हिंदी की है उसे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी है, बहुत गर्व होता है कि हम इस इवेंट के
इसमें इन्वॉल्व है और आप लोग आए, थैंक यू। केशव भाई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का, मुंबई में अक्सर फिल्मों के कार्यक्रम होते हैं, बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, उससे क्या आप हमेशा कर रहे थे जहाँ सिनेमा साहित्य सबकी बातें की जा रही है, ये बड़ा गौरव की बात है। और सबसे अच्छा मोमेंट जो केशव भाई ने चालू किया, हिंदी फिल्मों में जो टाइटल अंग्रेजी में लिखे जाते थे, आज इस आंदोलन के माध्यम से सारी फिल्में के टाइटल हिंदी में आ रहे हैं, और फिल्में एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे के लोगों को जोड़ता है, सबसे सीधा सरल है। तो आप सभी को शुभकामना, हिंदी से प्यार करें, हिंदी का प्रचार करें। जय हिंद, जय भारत। और विश्व हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। अभी हिंदी का क्या महत्व है, ये पहले से ही आदिकाल से, मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जी के ज़माने में वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में थी, लोगों को संस्कृत समझता नहीं था, तो उन्होंने बोला जनता नहीं समझेगी तो रामायण क्या पढ़ेगी, तो उन्होंने भाषा में हिंदी भाषा में रामचरितमानस लिखा। तो हिंदी का मतलब हमेशा रहा है, और अभी आप ये देखिए कि पहले साउथ वाले हिंदी का बुराई करते थे, लेकिन आज की तारीख में साउथ की फिल्में हिंदी में हिट हो रही है, तो मतलब हिंदी ने सारे हिंदुस्तान को जोड़ लिया। तो ये आगे बढ़ना है तो हिंदी को सीखना पड़ेगा, वो हर एक को, जो हिंदी वाले हैं वो तो ठीक ही, आज पुराने ज़माने में नहीं था, लेकिन आज IAS भी हिंदी में भी पास कर सकते हैं और कलेक्टर बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, हिंदी का बहुत डेवलपमेंट हो गया, और केशव जी इसके लिए सतत प्रयास। एक चिंता भी है और एक खुशी भी है। चिंता इस बात की है कि लोक संपर्क के रूप में तो हिंदी भाषा का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी अभी पिछड़ रही है अंग्रेजी के सामने, ये एक चिंता है। दूसरा ये है कि एक पहलू पे बात नहीं हुई है कि वर्तमान सरकार की जो गतिविधियां हैं उसने हिंदी को बहुत व्यापक प्रसार किया है, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री से लेकर सब तक, तो आजकल सारे कारपोरेट के लोग हिंदी बोलने लगे हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है, धन्यवाद। और हिंदी भाषा को लेकर यहाँ पर कई तरह की परिचर्चाएँ होती हैं, अभी भी 4 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है, इसमें लगभग 60 देशों से 100 वक्ता इसमें शामिल होने वाले, कुछ 70 सत्र होंगे जिसमें अलग अलग विषय पर चर्चाएं होंगी, और आज इसका शुभारंभ हो रहा है, तो मैं हिंदी बोलने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी सुनने वाले और हिंदी में काम करने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को बहुत बधाई देता हूं, और उन्हें कहता हूं कि जब भी समय मिले तो इन 4 दिन में जहां भी आप चाहें इन कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आ सकते हैं, ये निःशुल्क होता है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। जी तो अभी मुझे पता लगा कि केशव राय जी ने बड़ा अच्छा इवेंट किया हुआ है, तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी तरह अगर हम अपनी बीच की जो भाषा अपनाते हैं, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है, तो बजाय इंग्लिश के अगर हम हिंदी में प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर हिंदी जो है आपने काफ़ी सारे शो वगैरह बनाए, क्या कहना चाहूँगा हिंदी को लेकर? हिंदी बेहद ही मधुर भाषा है, और हिंदी तो आधार है हमारे हिंदुस्तान का, बस मैं यही कहूँगा कि हिंदी का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और बढ़ावा दें। एजेंसी है तो मैंने एक बुक इंग्लिश में लिखी है, ब्रांड बिल्डिंग हैबिट्स, और खुद पब्लिश किया। जब मैंने पब्लिश किया तो मैंने देखा कि ऑथर्स को क्या दिक्कतें हैं, तो आज जो हिंदी जो हमारा समारोह है, हमारा जो फेस्टिवल है, उसमें मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो भी ऑथर्स अपना बुक हिंदी में पब्लिश कराना चाहते हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे अमेज़ॉन में पब्लिश करने को, और उनको फुल पब्लिसिटी देके उनको वर्ल्ड वाइड कवरेज हो। आज के टाइम पे क्या है कि जो भी बुक्स प्रिंट होती है उसका जो प्रिंटिंग होता है वो पब्लिशिंग में बहुत उनको दिक्कत होती है, पब्लिशर ढूंढो, सब कुछ करो, लेकिन आई कैन सपोर्ट देम ऑन दैट। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे आके आपसे ये बात करूँ, और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और ये देश और दुनिया में हिंदी का नाम रोशन होगा। धन्यवाद।